गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पेज नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले अभी आप लोगों ने वन डिजिट से वन डिजिट का एडिशन सीखा है, सॉरी टू डिजिट से वन डिजिट का एडिशन सीखा है और 10 का एडिशन सीखा है, ठीक है। आज हम सीखेंगे टू डिजिट्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जब हमने टू डिजिट से वन डिजिट का एडिशन किया था, तब उस टाइम पे क्या किया था हमने, वंस से वंस को ऐड किया, ठीक है। और टेंस वाले प्लेस में कुछ नहीं था, इसीलिए हमने उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, टेंस के नीचे भी नंबर है और वंस के नीचे भी डिजिट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाई वन ऐड करेंगे, ओके। अब देखिए फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला आपको करके दिया हुआ है, हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वंस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 + 4 = 8, देन टेंस वाले नंबर को ऐड करेंगे, 2 + 2 = 4। हमेशा ध्यान रखेंगे जो नंबर जिसके नीचे लिखा है उसी से ऐड करेंगे, इधर उधर ऐड नहीं करेंगे। और नंबर लिखते समय भी ये ध्यान रखेंगे कि वंस वाले नंबर को आप वंस के नीचे लिखें और टेंस वाले नंबर को आप टेंस के नीचे लिखेंगे, ओके। देन 5 + 4 = 9 एंड 3 + 4 = 7, ओके। नाउ नेक्स्ट 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8, इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन 5 + 1 = 6, 3 + 4 = 7, ओके। तो समझ गए आप लोग हमको एडिशन कैसे करना है, वंस के नंबर का वंस के नंबर से और टेंस वाले नंबर्स का एडिशन टेंस वाले नंबर से ही करना है। एडिशन करते टाइम और इन दोनों के बीच में वंस और टेंस के नंबर पे देखिए बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस भी हमको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो आप लोग ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद से ऐड करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है और इसको कॉपी में भी लिखना है। राइट इन योर कॉपी ऑल्सो, ठीक है। इन नंबर्स को आप कॉपी में भी लिखेंगे, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ हम लोग सीखेंगे कैरी देकर एडिशन करना, ठीक है। एडिशन जब हम करते हैं तो कैरी देके एडिशन कैसे करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला तो करके दिया हुआ है, हम सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे। 9 + 1 = 10 हो गया, 9 + 1 कितना आंसर आया आपका, 10 आया, है ना। तो यहाँ पर देखिए वंस वाला नंबर कौन सा है, ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस वाले नंबर को वंस के नीचे लिखेंगे, ओके। 0 वंस का डिजिट है और टेंस वाले डिजिट को हम ऊपर कैरी देंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, टेंस के कॉलम में। अब इन सबको ऐड करेंगे, 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, अगेन 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 = 13, ठीक है। 3 जो है वो वंस का नंबर है और 1 जो है वो टेंस का नंबर है, तो वंस वाले नंबर को वंस के नीचे लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे हम और टेंस वाले नंबर को ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फिर इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 5 = 6 एंड 6 + 3 = 9, ओके। नाउ नेक्स्ट वन 9 + 1 = 10, 10 आया, पहले बताया था मैंने 0 जो है वो वंस का नंबर है, तो वंस के नीचे वंस वाला लिखेंगे और ऊपर कैरी देंगे टेंस वाले नंबर को। देन 4 + 4 = 8 एंड + 1 = 9, अगेन नेक्स्ट नंबर 8 + 6 = 14, 8 + 6 = 14, 4 जो है वो वंस का नंबर है और जो 1 है टेंस वाला नंबर है, तो वंस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे हम 4 को, ठीक है, और टेंस वाले नंबर को ऊपर कैरी देंगे। सो 3 + 3 = 6 एंड + 1 = 7, ओके। तो इन नंबर्स को आप लोग खुद से ऐड करेंगे, ये आपका होमवर्क है और इसको आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे। राइट इन योर कॉपी ऑल्सो, कॉपी में भी लिखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग जब लिखेंगे तो वंस के नीचे वंस वाले नंबर ही आने चाहिए और इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। एक साथ चिपका चिपका कर नहीं लिखेंगे, ओके। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि टू डिजिट के नंबर्स को
कैसे ऐड करेंगे, टू डिजिट के नंबर्स को टू डिजिट के नंबर से कैसे ऐड करेंगे और कैरी देकर कैसे ऐड करेंगे। ये क्वेश्चंस यहाँ तक नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको इस पेज में भी दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सबट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।